हरी फ्रेंड, आप सभी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन देख रहे हैं और ये क्वेश्चंस बहुत स्टूडेंट ने पूछ चुके हैं कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि जब टोटली जितने भी ये फोर बियरिंग ली गई हैं या बैक बियरिंग ली गई हैं सभी के सभी इनकरेक्ट हैं। ठीक है, तो कैसे इनको करेक्ट करेंगे, जिनमें फोर बियरिंग और बैक बियरिंग किसी भी लाइन का हम लेते हैं तो उनका डिफरेंट 180 डिग्री नहीं आता है, किसी का भी नहीं आता है, तब इसको कैसे सल्यूशन करना है आज वो आपके सामने मैं समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जब भी ऐसा दिया रहता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने डिफरेंस ऑलरेडी निकाले हैं। यहाँ पर देखिए कि इस लाइन ए बी लाइन जो आपके सामने दिख रहा है, इस ए बी लाइन का ये फोर बियरिंग और बैक बियरिंग का जो डिफरेंस है 178 डिग्री 30 मिनट आया है, और इसका डिफरेंस निकालें तो 177 डिग्री 0 मिनट आया है, और इसका डिफरेंस निकाले तो मतलब सब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी में भी 180 डिग्री नहीं आया, मतलब सब में लोकल अट्रैक्शन है, सब में लोकल अट्रैक्शन है। तो कैसे इस जो अट्रैक्शन हुआ जिसके कारण ये रीडिंग रॉन्ग आई है तो उसको कैसे रिमूव करेंगे और करेक्ट बियरिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे जब ऐसे सिचुएशन हो, तो सबसे पहले इस बेस पर आप इसका इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करें। और इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करने के लिए मैंने आप सभी को टेक्निक बता के रखा है कि सबसे पहले तो इसको आप रफली बना लीजिए और देखिए कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, जिसके थ्रू हम क्या इसके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको वही चीजें यहाँ पर फाइंड आउट करके बता देता हूँ। आप सभी ने क्वेश्चन तो राइट कर लिया होगा, तो क्वेश्चन के बेस पे मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि जब मैं इंटरनल एंगल इनके फाइंड आउट करता हूँ, इंटरनल एंगल जब इसका मैं कैलकुलेट करता हूँ तो कैसे कैलकुलेट, सबसे पहले तो मैं इसको ड्रॉ करता था, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ए अगर मान लीजिए यहाँ पर है तो 191 डिग्री मतलब यहाँ पर अप्रोक्सीमेट आएगा। ठीक है, ये बी आ गया, ए बी लाइन हो गया। ठीक है, 191 के आसपास ये आ रहा है, तो हमेशा नॉर्थ से लेते हैं, नॉर्थ का रेफरेंस लेके, क्योंकि सभी जो भी एंगल दिए हैं वो डब्ल्यू सी बी में दिए हैं, डब्ल्यू सी बी नॉर्थ के रेफरेंस से ये सभी एंगल रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद से बी सी जो दिया है 69 डिग्री, 69 मतलब 90 से कम, मतलब यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आएगा, इस तरीके से आएगा। यहाँ पर मैंने ये ड्रॉ कर लिया, सी तक आया, और सी से डी 32 डिग्री मतलब यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आएगा, इस तरीके से है। ये देख सकते हैं ये 32 डिग्री होगा, ये 69 डिग्री के आसपास होगा। फिर उसके बाद से आप अगर देखेंगे तो ये कैसे जा रहा है, अगर देखेंगे तो ये जा रहा है कैसा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज नहीं जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, तो बाकी उतना पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, रफ में बना के आप चेक कर सकते हैं, और फिर उसके बाद से हम इसके इंटीरियर एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इंटीरियर एंगल जैसे एंगल ए फाइंड आउट करना है, तो मैंने आपको बताया जब एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो क्या करते थे, फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग करते थे, तो लाइन फोर बियरिंग ए बी का होता, ए से आगे ए बी, और बैक बियरिंग मतलब ए से पीछे कौन सा है, ई वाला पॉइंट है, तो ए ही का बैक बियरिंग, ए ही लाइन का बैक बियरिंग लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूँ फोर बियरिंग, एक बार लिख रहा हूँ फिर बाद में डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख के फटाफट कैलकुलेट कर दूंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखे हैं। तो फोर बियरिंग ऑफ ए बी लाइन माइनस बैक बियरिंग ऑफ ई ए लाइन जो है उसमें, और आपको ऑलरेडी ये वैल्यू दिया हो, और इसमें मैंने ये भी बताया था कि अगर सपोज डेट ये वाली वैल्यू जो फोर बियरिंग है अगर ये लेस होती है तो सबसे पहले एक्सटर्नल फाइंड आउट करते हैं और उसके बेस पे इंटरनल फाइंड आउट कर लेते हैं, ये भी टेक्निक मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। और अगर आपको ये नहीं पता है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टाइप के क्वेश्चन का लिंक मैं दे दूंगा, वो लिंक में जाकर आप उस वीडियो को भी देख के और समझ सकते हैं कि कैसे इसी को। कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये इंटरनल एंगल और इंक्लूडेड एंगल क्या है, तो इंक्लूडेड एंगल भी सेम ही है, इंक्लूडेड एंगल मतलब इंटरनल एंगल फाइंड आउट करना है, ये चीजें ध्यान में रखें, इंक्लूडेड एंगल मतलब कोई भी क्लोज आउट्स है उनके इंटरनल एंगल का फाइंड आउट करना, इंटरनल एंगल। अब यहां पर देखेंगे तो इसकी वैल्यू दिया है 191 डिग्री 30 मिनट और माइनस इसकी वैल्यू दिया है 53 डिग्री। जब इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरा जो कैल्सी में इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू मेरी आ रही है 138 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, ये चीजें आ रही है। फिर उसके बाद से एंगल बी अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो एंगल बी फोर बियरिंग ऑफ बी सी, बी के बाद सी, एंगल बी, बी के बाद सी, फोर बियरिंग 69 डिग्री है 30 मिनट है, और उसके पहले वाले जो ए बी है उसका बैक बियरिंग कितना 13 डिग्री है, तो ये इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू आ जा रही है 56 डिग्री 30 मिनट आ जा रहा है।
ठीक है। फिर एंगल सी में अगर देख रहा हूं तो जो फोर बियरिंग है सी डी का वो क्या है, लेस है, तो मैं इसका सबसे पहले एक्सटर्नल फाइंड आउट कर रहा हूं, एंगल सी का एक्सटर्नल फाइंड आउट कर रहा हूं, ठीक है। एक्सटर्नल मैं इसका फाइंड आउट कर लेता हूं, तो एंगल सी का एक्सटर्नल एंगल सबसे पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। तो एक्सटर्नल एंगल सी का कैसे कैलकुलेट करेंगे, बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग कर लेंगे, तो बैक बियरिंग उसका दिया है 246 डिग्री 30 मिनट माइनस 32 डिग्री 15 मिनट, ये बैक बियरिंग है, ठीक है। इसको शॉर्टकट मैं फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि इसके आगे का स्टेप आपको समझा सकूँ, इसलिए मैं ये फटाफट निकाल रहा हूँ। तो इसका ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे आपकी वैल्यू आ रही है, कैलकुलेट करेंगे फिर उसके बाद से जो भी ये वैल्यू आ रही है मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ। जैसे ये इस तरीके से कैलसी होता है, कई स्टूडेंट ये भी नहीं कर पाते हैं इसलिए वो भी कैलसी ऑपरेट कैसे करना वो भी बता देता हूँ। देखिए 246 डिग्री एक बार क्लिक करें, ये वाले बटन को क्लिक करेंगे तो एक बार डिग्री बताता है, दूसरी बार क्लिक करेंगे तो मिनट, और तीसरी बार क्लिक करते हैं तो सेकेंड बताता है। तो ये 30 दूसरी बार क्लिक है तो मीटर मिनट हो गया, उसमें से माइनस 32 डिग्री 15 मिनट किया, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आ रही है इसको 360 से माइनस करेंगे, 360 डिग्री, देखो 360 डिग्री 0 मिनट माइनस आंसर कर दिया तो ये वैल्यू आ गई कितना आएगा, 145 डिग्री 45 मिनट आ गया। तो ये मेरा डायरेक्ट ये वाली वैल्यू कितनी आई थी, जो भी आया होगा, फिर बाद में 180 से मैंने माइनस किया तो आ गया आपका इंटरनल एंगल, इसका आ गया इंटरनल एंगल, आ गया एंगल सी 145 डिग्री 45 मिनट आ गया था, ठीक है। फिर उसके बाद एंगल डी, और एंगल डी कितना आ रहा है, एंगल डी कैलकुलेट करेंगे तो सेम उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। एंगल डी में क्या है अगर देखेंगे तो उसका फोर बियरिंग डी ई 262 है डिग्री 45 मिनट है, और माइनस कर देंगे 210 डिग्री 30 मिनट, तो इसमें आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जा रही है और वो कितना है 52 डिग्री 15 मिनट है, ठीक है। फिर उसके बाद से एंगल ई भी हम वैसे ही फाइंड आउट कर लेंगे, एंगल ई कैसे कितना है 230 डिग्री 15 मिनट है और माइनस 80 डिग्री 45 मिनट है, और इसको माइनस करने पे जो मेरी वैल्यू आ रही है 149 डिग्री 30 मिनट। अभी ये जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इन सभी का ऐड कर लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, ये सारी वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर ऐड करने पे मेरी वैल्यू आ रही है 42 डिग्री 30 मिनट आ रहा है, इतना आ रहा है। और जब हम ऑलरेडी अगर क्लोज ट्रावर्स होता तो हमको पता है कि क्लोज टावर्स मतलब फाइव साइड है तो फाइव एंगल बन रहे हैं, तो फाइव एंगल का सम कितना होता है 2n माइनस 4 इंटू 90 करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे साइड कितने हैं या एंगल कितने हैं, फाइव हैं, तो 2 इंटू 5 माइनस 4 और इंटू 90 करेंगे तो ये 540 डिग्री आ रहा है। तो ये देखेंगे कि ये जो मैंने कैलकुलेट किया है इसमें 2 डिग्री 30 मिनट ज़्यादा है, तो ये 2 डिग्री 30 मिनट ज्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये सब में इक्वली डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, ये जो 2 डिग्री 30 मिनट है उसमें 5 साइड है, 5 एंगल है तो डिवाइड किया तो 30 मिनट आ रहा है, तो सब में 30 मिनट जितने भी एंगल ए बी सी डी हैं उसमें 30 मिनट हम माइनस कर देंगे। तो देखिए माइनस करने पे करेक्ट एंगल आ रहा है, करेक्ट इंटरनल एंगल यहाँ पे लिख देता हूँ, करेक्ट इंटरनल एंगल ए जो होगा यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ये जो मैंने फाइंड आउट किया वो 138 डिग्री 30 मिनट था, तो उसमें 30 मिनट माइनस करूंगा तो 138 डिग्री आ गया एंगल ए, ठीक है। एंगल बी करेक्ट अगर फाइंड आउट करना है तो कितना आ गया, ये एंगल है लेकिन आपको तो फोर बियरिंग भी करेक्ट करना है ना, तो अभी ये एंगल को सिर्फ करेक्ट कर रहा हूँ, फिर बाद में फोर बियरिंग इसके बेस से करेक्ट हो जाएगा। कई बार कई क्वेश्चंस में ये करेक्ट बियरिंग दिया रहेगा, ठीक है, ये करेक्ट जो बियरिंग है वो दिया रहेगा और एक फोर बियरिंग दिया रहेगा, उसके बेस पे बाकी सारे फोर बियरिंग भी कैलकुलेट करना है, वो कॉन्सेप्ट भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो ये एंगल बी कितना है 56 डिग्री 30 मिनट है, उसमें से 30 मिनट माइनस कर दिया तो सिर्फ 56 डिग्री बच गया। फिर एंगल सी कितना है 145 डिग्री 45 मिनट है, उसमें से 30 मिनट माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 145 डिग्री 15 मिनट हो जाएगा। फिर एंगल डी उसी प्रकार से देखेंगे तो एंगल डी की वैल्यू आई थी 52 डिग्री 15 मिनट आया था, तो इसमें से 30 मिनट माइनस कर देंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 51 डिग्री 45 मिनट आ जाएगा।
51 डिग्री 45 मिनट आ जाएगा। फिर उसके बाद से एंगल ई करेंगे तो आपकी वैल्यू एंगल ई कितना दिया है, 149 डिग्री 30 मिनट है, उसमें से 30 मिनट माइनस कर रहे हैं तो ये मिनट मिनट कैंसिल बच जाएगा 149 डिग्री। तो ये सब आपका करेक्ट एंगल आ गया, ये जितने भी मैंने फाइंड आउट किए ये आपका करेक्ट एंगल आया। अब ये करेक्ट एंगल के बेस पे मैं करेक्ट फोर बियरिंग फाइंड आउट करने का तरीका यहाँ पर सिखाने वाला हूँ और उसके बेस पे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। और ऐसा सॉल्यूशंस खास करके टेक्स्ट बुक में बहुत कम जगह पे ये यूज करने को देखता है, बाकी रेफरेंस बुक में ये आपको मिल जाएगा। अगर रेफरेंस बुक यूज करते हैं तो एसके दुग्गल का भी अगर रेफरेंस बुक यूज करते हैं तो उसमें भी मिल जाएगा। तो चलिए इसके आगे अभी क्या करना है, देखिए एक आपके सामने जो ये जो सॉल्यूशंस मैंने पहले स्टार्टिंग में बताए थे उससे रिलेटेड आगे मैं पहले बता देता हूँ। ये जो आपके सामने है, ठीक है, ये जो लाइन वाइज ये दिया हुआ था तो इसमें अगर मैंने देखा था तो इनमें डिफरेंस 180 से कम कितना था और 1 डिग्री 30 मिनट था। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ, इसके डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ और आता है डिवाइड बाय 2 करने पे 45 मिनट। तो 45 मिनट में मैं इन दोनों के साथ ऐसा एडजस्ट करूंगा कि इसमें अगर मैं 45 मिनट ऐड कर देता हूँ, इसमें 45 मिनट माइनस कर देता हूँ तो इसमें क्या हो जाता है, ये बैलेंस हो जाता है और ये वो इनका डिफरेंस 180 डिग्री आ जाएगा। तो इसको मैं करेक्ट कर लेना हूं। क्या करूंगा मैं इसमें, इसमें जब ऐड करूंगा तब जाके ये बैलेंस हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐड करूंगा और इसमें माइनस करूंगा। अगर मान लो उल्टा करता, इसमें माइनस करता और इसमें ऐड करता तो डिफरेंस करने पे 180 डिग्री नहीं आता, इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट हम लेंगे कि इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें ऐड कर दिया मैंने 45 मिनट, क्यों, क्योंकि इसमें डिफरेंस इतना आ रहा था, ये 180 डिग्री से इतना कम थे और इसका मैंने हाफ कर दिया, आधा आधा पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो देखिए ये 1 डिग्री 60 मिनट का होता है और 30 मिनट, तो 60 और 30 दोनों ऐड करोगे तो 90 मिनट, 90 का हाफ 45 मिनट, तो 45 मिनट ही मैं इसमें ऐड कर रहा हूं और इसमें माइनस कर रहा हूं। तो एक मैं करेक्ट कर लिया, ठीक है, एक स्टार्टिंग में मैंने इस बेस पे करेक्ट किया। ऐसे सब में नहीं कर सकते हैं क्योंकि सब में करोगे तो फिर बाद में मिस्टेक हो जाएगा। तो एक मैंने स्टार्टिंग का इस तरीके से करेक्ट कर लिया, ठीक है। तो मेरा जो करेक्ट फोर बियरिंग आ गया, ठीक है, वो चीजें मैं लिख लेता हूं कि मैंने जो पहले था उसको मैंने करेक्ट किया, करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ ए बी लाइन। ये सिस्टम याद रखना, ये शॉर्टकट भी टेक्निक है, फटाफट इसको कैलकुलेट करना। तो कितना था, 191 डिग्री 30 मिनट था, अब उसमें 45 मिनट ऐड कर दिए तो आपकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 192 डिग्री 15 मिनट आ गया, ठीक है, ये करेक्ट है। इसमें क्या करना होता है कि एंगल बी को क्या करो, ऐड कर दो। एंगल बी कितना है, ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट किए हैं यहाँ पर, आपको ऑलरेडी जो करेक्ट आया था उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं करेक्ट जो आया था 56 डिग्री, ये एंगल बी है, ठीक है, तो वो मैं आपने लिख लेना है और ये मैंने ऐड कर दिया। अभी ऐड करने पे ये कितना आ रहा है, 248 डिग्री 15 मिनट आ रहा है। इसमें देखो जब ये वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा हो तो इसमें 180 डिग्री माइनस कर दोगे तो आपको करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ बीसी लाइन मिल जाएगा, बीसी का करेक्ट फोर बियरिंग मिल जाएगा। तो ये यहां से अगर माइनस करते हैं तो आपकी वैल्यू आ जाती है 68 डिग्री 15 मिनट आ जाता है, ये आपका करेक्ट फोर बियरिंग बीसी हो गया। अब बीसी के बाद कौन सा एंगल है, सी, एंगल सी इसमें ऐड कर दो तो एंगल सी कितना आया था, 145 डिग्री 15 मिनट, ये एंगल सी था। तो इसमें ऐड करने के बाद से ये कितना हो जा रहा है, 213 डिग्री 30 मिनट आ गया। अभी ये भी 180 डिग्री से ज्यादा है तो इसमें से भी 180 डिग्री मैं इसमें से माइनस कर दे रहा हूं, तब मुझे करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ सी डी लाइन मिल जाता है। तो कितना हो रहा है, इसमें से अगर माइनस कर रहा हूं मैं तो सी डी का करेक्ट बियरिंग आ जाता है 33 डिग्री 30 मिनट आ जाता है। फिर एंगल डी इसमें ऐड कर दो और एंगल डी कितना है, 51 डिग्री 45 मिनट, ये मैंने ऐड कर रहा हूं तो कितना हो रहा है, ये अगर प्लस कर रहा हूं मैं एंगल डी की वैल्यू तो ये प्लस करने पे 85 डिग्री 15 मिनट आ जा रहा है। अभी ये देखिए ये 180 से कम है, 180 से कम है तो इसमें 180 डिग्री क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये ऐड करेंगे तो इसके आगे वाले जो लाइन है करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ डी ई ये हमें मिल जाएगा। तो ऐड करने पे कितना आ जा रहा है, 265 डिग्री 15 मिनट आ गया, ठीक है, ये चीजें आपके सामने आ गई।
उसके बाद डी के बाद ई है तो एंगल ई इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। एंगल ई अगर ऐड करेंगे तो एंगल ई दिया है 149 डिग्री दिया है, 0 मिनट है, तो ऐड कर देते हैं इसमें। और जब इसको ऐड करते हैं तो यह आ जाता है 414 डिग्री 15 मिनट आया, ठीक है। फिर इसमें ये देख सकते हैं कि ये 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसमें 180 डिग्री क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो आपका इसके आगे वाला करेक्ट फोर बेयरिंग ऑफ ई ए लाइन का मिल गया, और कितना आएगा माइनस करने पे आ रहा है 234 डिग्री 15 मिनट। अभी सभी लाइनों का मैंने करेक्ट कर लिया, लेकिन जो आगे मैंने फोर बेयरिंग लिया था ए बी का, करेक्ट किया था, उसको हम चेक भी कर लेंगे, उतना आ रहा है तब राइट होगा। इसके आगे ए है तो एंगल ए इसमें ऐड करो, और एंगल ए कितना आया था 138 डिग्री आया था, तो इसमें ऐड कर रहे हैं तो 372 डिग्री 15 मिनट हो गया। अभी ये इसमें देखो 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसमें हम 180 डिग्री माइनस करते हैं, ये हम सिस्टम देख आपको बताते जा रहा हूँ। और जिससे हमारा आ रहा है कि करेक्ट फोर बियरिंग ऑफ ए बी आ जाएगा, फोर बियरिंग सर्कल के टाइप पे, तो यहाँ से अगर इसमें से माइनस करते हैं तो आपका आ जाता है 192 डिग्री 15 मिनट। और आपको पता है कि यही एंगल हमारा देखिए ए बी का था, आ गया कि नहीं 192 डिग्री 15 मिनट। तो जब ये आ जाता है तो यहाँ पर लिख देंगे चेक्ड, ठीक है, ये हमने चेक्ड कर लिया और ओके लिख देंगे, ओके। तो इस तरीके से मेरा जितना भी फोर बियरिंग था उस लाइन का, इस तरीके से करेक्ट हो गया। ये मेरा एक करेक्ट आ गया, एक ये करेक्ट आ गया, एक ये करेक्ट आ गया, एक ये करेक्ट आ गया। अब इसका अगर मान लो कि खास करके पूछ लिया कि इसका बैक बियरिंग क्या होगा, तो आपको पता है ये भी कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में बैक फोर बियरिंग है करेक्ट और बैक बियरिंग करेक्ट बताना है, तो जो 180 डिग्री से ज़्यादा होगा उसमें 180 डिग्री माइनस कर देना, और जो 180 डिग्री से कम होगा उसमें 180 डिग्री ऐड कर देना, वही उसका बैक बियरिंग हो जाएगा। तो करेक्ट फोर बियरिंग मैंने इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार रिपीट देखना, आपको समझ में आ जाएगा, आसानी से ये कॉन्सेप्ट बताया है। और इसके साथ साथ जो रेफरेंस वीडियो के भी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इस तरीके से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।